या दोस्तों, मैं तरुण राजपूत आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में। सब बात करने वाले हैं दोस्तों इधर आज स्त्री टू वेदा और खेल खेल में। आपको सीधी सी बात बता दूं यार, आपको तो पता ही है कि कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है स्त्री टू की। सो दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हैं, मैं पहले सीधा स्त्री टू की बात कर लेता हूँ। आज रिलीज़ हो रही है, 9:30 का पहला शो है दोस्तों स्त्री टू का। तो जैसे कि पब्लिक रिव्यू निकल कर आ जाएंगे, मूवी कैसी है कैसे नहीं, वर्ड ऑफ माउथ आ जाएगा, अच्छा है ना। सो मूवी दोस्तों पहले दिन बहुत ज़बरदस्त कमाई करने वाली है, बहुत लाजवाब। सो किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि जो पहली मूवी थी स्त्री वन, जो उसका दोस्तों लाइफ टाइम बिजनेस 180 करोड़ था, और ये दोस्तों अपने वीकेंड के अंदर अंदर 3-4 दिन के अंदर 200 करोड़ क्रॉस करने वाली है, जैसे गदर 2 के साथ हुआ था। तो ऐसे ही दोस्तों इस मूवी ने अब तक, यानी कि आज शाम 5 बजे तक, इस मूवी ने गाइस पूरे 12.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है दोस्तों। 12.50 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। रात होते होते तक आई थिंक ये 15 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगी। इसने आज तक जितनी मूवीज़ आई हैं दोस्तों, ब्रह्मास्त्र, चेन्नई एक्सप्रेस, डंकी, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, सबके दोस्तों रिकॉर्ड बीट कर दिए हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आप ये अनुमान लगा लीजिए बहुत ज़बरदस्त कमाई पहले दिन होने वाली है इस मूवी की। भले ही अब स्टोरी अच्छी हो या ना हो, वो दोस्तों उन पे डिपेंड है ना। सो श्रद्धा कपूर को क्रेडिट सारा जा रहा है, हालांकि इस मूवी के हीरो राजकुमार राव हैं। और यार अब बात कर लेते हैं हम इस मूवी के डे वन की, आखिर कितनी कमाई होगी। सो दोस्तों मेरे हिसाब से 35 से 40 करोड़ डे वन का कलेक्शन आएगा, आज का भी मिलाकर 40 करोड़ के करीब आएगा, मेरा ये प्रडिक्शन है 35 से 40 करोड़ डे वन का। लाजवाब, गदर का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा दोस्तों। ये हफ्ता पूरा छुट्टी का है, नज़ारे लो, फिल्म देखो। और बात कर लेते हैं हम दोस्तों मूवी वेदा के बारे में, जो जॉन अब्राहम की वेदा है, उसने आखिर कितनी एडवांस बुकिंग कर ली है। सो दोस्तों वेदा ने जो अब तक कमाई कर ली है, जो एडवांस बुकिंग के मामले में 75 लाख की दोस्तों, 75 लाख की इसने एडवांस बुकिंग कर ली है। तो जॉन की भी मूवी पूरी इंतजार में है, हालांकि उससे तो बहुत पीछे है दोस्तों, सोच भी नहीं सकते, अनुमान भी लगा सकते इस स्त्री के साथ, क्योंकि दो पुरुषों ने पंगा तो ले लिया है, पर इस स्त्री इनको पटक के बाहर फेंक देगी। और अब बात कर लेते हैं खिलाड़ी कुमार के बारे में। तो खेल खेल में का क्या है खेल, सो खेल बिगड़ा है या उधरी है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता कि खेल खेल में की एडवांस बुकिंग जो हो गई है तकरीबन 65 लाख की, अभी वेदा से थोड़ी पीछे चल रही है, 65 लाख की हो चुकी है। तो रात तक मैं भी शायद, मुझे लगता है ये सरफरा का एडवांस बुकिंग के मामले में रिकॉर्ड तोड़ देगी। पर बहुत दुख के साथ यार कहना पड़ रहा है, मैं कल से वीडियो नहीं यार इसी करके बना रहा था यार, एज अ फैन होने के नाते अक्षय कुमार के मूवी देखते हैं हम दोस्तों, पर दुख लगता है यार, बंदे से कहाँ गलती हुई है, क्यों नहीं पब्लिक उसको पसंद कर रही है, क्या ऐसा उससे गुनाह हो गया है जो एकदम जनता ने उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। तो यार मुझे इस बात का दुख है, बंदा वो इतना अच्छा कंटेंट ला रहा है आपके लिए, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट फिर भी दोस्तों नथिंग यार, बहुत गलत हो रहा है अक्षय कुमार के साथ, तो मुझे यही दुख लग रहा है। बाकी अगर वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा आएगा ना, तो भी पब्लिक जाने वाली नहीं है। इसका डे वन दोस्तों, डे वन और वेदा का और इसका मैं आपको बता दूँ कितना आने वाला है। 5 करोड़ पहले दिन वेदा कमाने वाली है, और दोस्तों 3 से 4.5 करोड़ ये खेल खेल में, आई थिंक ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी देखो कल क्या होता है, जिसको स्त्री टू की मूवी की टिकट ना मिलेगी तो अगला वो खेल खेल में देखेगा। दोस्तों आपको पता है कि कैपेसिटी जो इसकी सीटों की होती है उनकी, तो आपको पता है अब शो भले ही कम दिए गए हो, पर हाउसफुल भी तो नहीं हो रहे हैं, हाउसफुल होने चाहिए ना, हाउसफुल नहीं हो रहे हैं, तो इसी बात का दुख है दोस्तों। बस 4 लाख टिकट स्त्री टू ने दोस्तों अब तक बेच दिए हैं, और इनसे 10,000-12,000 नई टिकटें बेची जा रही, क्या कर लेंगे यार, कुछ नहीं होने वाला अब दोस्तों। बस मुझे ये कहना था, आप कौन सी कल मूवी देखने जा रहे हो, सीधी सी बात है स्त्री टू को आप पहले देखोगे, बाकी बाद में है ना। सो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए, बाय बाय।